बड़वानी में अंजन रोड स्थित गुरुधाम सिटी के कॉलोनाइजर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्लाट के 18 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बड़वानी के गुरुधाम सिटी कॉलोनी में कॉलोनाइजर आशीष पिता ओम प्रकाश गुप्ता निवासी लोहारी के खिलाफ सुशील अग्रवाल ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके द्वारा वर्ष 2016 में 6 प्लाट 19 लाख रुपए में खरीदे गए थे, जिसका सौदा इकरारनामा स्टाम्प पर हुआ था और उसके द्वारा 18 लाख अदा कर दिए गए थे। 1 लाख रुपए देकर रजिस्ट्री करवाना था, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा रजिस्ट्री के नाम पर आनाकानी की जा रही थी और अन्य लोगों को प्लाट देकर उनके मकान बनवा दिए थे। पैसे वापस देने की मांग की गई तो आशीष गुप्ता द्वारा पैसे नहीं दिए गए। पुलिस ने अग्रवाल की शिकायत पर आशीष के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। अग्रवाल रानीपुरा निवासी है। इन्होंने एसपी बड़वानी श्री निमिष अग्रवाल सर को एक लिखित में शिकायत की थी कि इन्होंने गुरुधाम जो कॉलोनी है, जिसे आशीष गुप्ता नाम के व्यक्ति ने डेवलप किया था, उनसे सुशील अग्रवाल ने करीब 6 प्लाट लिए थे। 6 प्लाट का एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था और उसमें 19 लाख रुपये टोटल कीमत थी, जिसमें से 18 लाख रुपये सुशील अग्रवाल के द्वारा जो है आशीष गुप्ता को पे कर दिए गए थे। और उसके बाद जब सुशील अग्रवाल के द्वारा जब आशीष गुप्ता से कहा गया कि हमारे प्लाट जो रजिस्ट्री करनी है, तो बाद में आशीष गुप्ता उसमें मना करता रहा और करीब ऐसे 3-4 साल से ये मामला चल रहा था। उसके 18 लाख रुपये भी ले लिए और कोई प्लाट भी नहीं दे रहा है आशीष गुप्ता। तो पूरी संपूर्ण जाँच की गई थी। जाँच करने के बाद में आशीष गुप्ता के खिलाफ प्रथम दृष्टया जो है धोखाधड़ी और आपराधिक न्यास भंग का अपराध पाए जाने से उसके खिलाफ जो है धारा 406, 420, 467, 468, 471 IPC और के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण अभी विवेचना में। सर, आरोपी हिरासत में? आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।